हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आपकी इंडियन स्किन है या मीडियम स्किन है तो उस पर आपको लाइलैक आई शैडो यूज़ करके किस तरह से आई मेकअप क्रिएट करना है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। और कौन से कलर्स चूज़ करने हैं लाइलैक फैमिली के कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करें। जो लाइलैक शेड होता है वो बहुत ही लाइट ब्लू और पर्पल का थोड़ा मिक्स होता है, आप लाइट मॉव भी कह सकते हैं उसे। तो किस तरह के आपको कलर्स चूज़ करने हैं, कैसे ये लुक क्रिएट करनी है, स्पेशली अगर आप थोड़ी लाइट मॉव कलर की ड्रेस पहन रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन से आई शेडोज पिक करने हैं, तो इस तरह का लुक बहुत ही अच्छा लगता है। या फिर अगर आप वाइट कलर की भी ड्रेस पहन रहे हैं और अगर आपकी मीडियम स्किन है तो कौन से कलर्स आपको चूज़ करने हैं उस फैमिली के, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको लाइलैक कलर के आई शेडो को यूज़ करके आई मेकअप लुक क्रिएट करना है। मैंने थोड़ा सा हल्का सा सिल्वर ग्लिटर्स भी यूज़ किए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू वेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो परफेक्ट होगा इस तरह का लुक। और बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक भी नहीं है, क्योंकि मैंने कोई विंग लाइनर नहीं अप्लाई किया, तो बहुत ईजी है। तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो है, आई होप आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। अगर आप इस तरह की और भी कलर्स के साथ लुक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा आपको ट्रिकी आई शेडो लगता है जो आपको यूज़ करना नहीं आता, मैं ज़रूर लुक क्रिएट करूंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले स्टेप में मैं आई बेस अप्लाई कर रही हूँ, उसके लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का। ये एज रिवाइंड कंसीलर है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि थोड़ा सा थिक है और बहुत अच्छे से आपकी आईज़ को इस तरह से बेस को क्लीन कर देगा। और अगर आपकी पिगमेंटेड आईज़ हैं तो हाइड हो जाता है पिगमेंटेशन। मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और थोड़ा सा मैं लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ ऑन टॉप ऑफ इट। आई मेकअप के लिए मैं मॉफी की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, तो सबसे पहले आपको इस तरह का शेड यूज़ करना है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लाइलैक कलर के आई शेडोज यूज़ करते हैं तो हमेशा वो वाले शेड्स यूज़ करें जिसमें थोड़ा सा मॉविश या फिर ब्लू अंडरटोन हो। बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स आपको नहीं यूज़ करने, क्योंकि इंडियन स्किन के साथ वो वाले कलर्स बहुत ज़्यादा सूट नहीं करते। तो इस तरह के कलर्स बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको ये वाला शेड यूज़ करना है। तो अच्छे से आप इसको अपनी क्रीज में अप्लाई करें और अच्छे से बैक एंड फोर्थ करके इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं। तो हमेशा आप लाइटर शेड से शुरू करें। मैं हल्का सा रीअप्लाई कर रही हूँ सेम कलर। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश के साथ लाइटली इसे ब्लेंड कर लूंगी। अब ये दूसरी पैलेट है, इसमें से मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्क मॉव शेड है, बट ऑलमोस्ट सिमिलर शेड है, उसी में थोड़ा सा डार्कर कलर है। तो आपको इस तरह का शेड यूज करना है। आप देख सकते हैं पर्पल नहीं है, तो आपको इस तरह के कलर्स यूज़ करने हैं। अगेन आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे। नाउ यूजिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश, आपको टाइम लेके ब्लेंड करना है, क्योंकि जब भी आप डार्कर शेड अप्लाई करें उसे अच्छे से ब्लेंड करना बेहद ज़रूरी होता है। अब मैं ये वाला शेड ले रही हूँ, उसको मैं अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई करूंगी। अब सेम स्टेप्स मैं रिपीट कर रही हूँ फॉर दी अदर आई एज वेल। तो आपको सेम वे में अप्लाई करना है। ध्यान आपको यही रखना होता है कि जब भी आप पहला शेड पिक करें वो थोड़ा सा लाइट हो, बहुत ज़्यादा डार्क ना हो, नहीं तो वो ब्लेंड नहीं होगा। तो अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी। अब सेम तरीके से मैं थोड़ा सा डार्कर शेड यूज़ कर रही हूँ और उसको आप फोकस करेंगे अपनी क्रीज में। तो इस तरह से मैं ब्लेंड करती जाऊँगी। तो अच्छे से ब्लेंड करें आप आई शेडोज को। हल्का सा सेम जो मैंने पहला आई शेडो अप्लाई किया था वो रीअप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से मैं ब्लेंड करती जाऊंगी कलर्स को। अब मैं सेम लाइट में आई शेडो यूज कर रही हूँ और मैं इसको अपनी ब्राउ बोन पे अप्लाई कर लूंगी। नाउ अगेन हल्का सा डार्क शेड अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पिगमेंटेड नहीं था बहुत ज्यादा, तो हल्का सा मैं उसे थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ क्रीज को। तो जितनी आपको डार्कनेस चाहिए आप रीअप्लाई कर सकते हैं सेम कलर। अब पैलेट में से मैं आई शेडो ले रही हूँ और इसको मैं अपनी पूरी आईज पे अप्लाई कर लूंगी इस तरह से। अब दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर रही हूँ सेम वे में। तो मैं आपको दोनों आंखों पे दिखा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझना थोड़ा सा।
अब मैं थोड़ा सा शिमर आई शेडो यूज कर रही हूँ एंड अगेन आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन टॉप ऑफ द प्रीवियस शेड. ब्रश में सेम ही यूज कर रही हूँ तो इस तरह से हल्का सा शिमर ऐड कर लूंगी मैं. अब सेम वे में मैं दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर लूंगी. हल्का सा मैं ये लाइट कलर यूज कर रही हूँ और इसको मैं अपनी फिंगर के साथ अप्लाई करूंगी ऑल ओवर माई आईज, क्योंकि थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए था मुझे. बट इस तरह का शिमर आई शेडो आप यूज करेंगे तो फिंगर के साथ आई शेडोज बहुत ज्यादा पिगमेंटेड लगते हैं, तो इसलिए मैं फिंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ इस वे में. अब ये वाली डिज्नी कोलैबोरेशन पैलेट है कलर पॉप की, तो इसमें से मैं ये सिल्वर ग्लिटर यूज कर रही हूँ और इसको मैं अपनी पूरी आंख पे अप्लाई करूंगी. तो आपको डैब डैब करके अप्लाई करना है. अब चाहे तो आप इजी वे में फिंगर के साथ अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास फ्लैट सिंथेटिक ब्रश नहीं है, नहीं तो आप सिंथेटिक ब्रश के साथ भी इस तरह से प्रेस ग्लिटर्स अप्लाई करें. किस वे में स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं. तो इस तरह से मैं लाइटली ग्लिटर्स अप्लाई कर लूंगी. फॉल्स लैशेज अप्लाई कर रही हूँ उसके लिए मैंने ये फ्लोरेस की लैशेज हैं. अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप पैक की लैशेज भी यूज कर सकते हैं. काजल अप्लाई कर लूंगी उसके लिए मैं जेल लाइनर यूज कर रही हूँ. अब पैलेट में से मैं ये सेम ये वाला शेड ले रही हूँ और अच्छे से आपको इसको ब्लेंड करना है ऑन योर लोअर लैश लाइन. तो आहिस्ता आहिस्ता आप ब्लेंड करते जाएं. अब हल्का सा इसको अगर आप लाइट करना चाहते हैं तो आप लाइटर शेड यूज कर लें. मैं दूसरी आंख पे भी अप्लाई कर लूंगी. अब इनर कॉर्नर्स के लिए मैं ये वाला शिमर शेड ले रही हूँ और इसको मैं इनर कॉर्नर्स पे इस तरह से अप्लाई करूंगी. तो मैंने पूरी लुक जो है वो सेम फैमिली की रखी है, तो आप देख सकते हैं. अब मैं अपने लैशेस को कोट कर रही हूँ. सो दिस इज द फाइनल लुक. तो अगेन मैंने ये लुक इसलिए क्रिएट की है क्योंकि अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, अगर आप मॉव कलर की ड्रेस पहन रहे हैं वेडिंग में या फिर रिसेप्शन में पहन रहे हैं, तो अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कौन से कलर्स यूज करें, तो इस तरह का लुक बहुत ही अच्छा लगता है. स्पेशली इंडियन स्किन के साथ बहुत अच्छा लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन किस तरह के कलर्स यूज करने हैं, इसलिए मैंने आपको आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखाया है. अगर आप कोई और आई शेडो चूज करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कौन से आई शेडो के साथ आप चाहते हैं मैं लुक क्रिएट करूँ. इसी तरह से अगर आपकी इंडियन स्किन है, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन से शेड्स आपको पिक करने हैं और कौन से शेड्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे इंडियन स्किन को, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. नहीं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माय इंस्टाग्राम. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.